वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। इस वाले व्लॉग में मैं जर्नी कर रहा हूँ हमारे इंडिया की सबसे लंबी दुरंतो एक्सप्रेस में एर्नाकुलम से लेकर न्यू दिल्ली तक। अभी हो रहा है 10:30 और हम हैं एर्नाकुलम में। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ बहुत बड़ा गिव अवे अपने यूट्यूब चैनल पे, और जो मैं गिव अवे कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं स्कल कैंडी हेडफोन्स का, जिसकी कीमत है आज की डेट में 4,000 से 4,500 रुपए। तो अगर आप वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना होगा, ये वीडियो को शेयर करना होगा, कमेंट सेक्शन में आपको अपना फीडबैक भी लिखना होगा, वीडियो कैसा लगा, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, जो भी है आप अपना सजेशन मुझे लिख के दीजिए। अगले वीडियो में स्पेशली बनाऊंगा गिव अवे के लिए और उसके बाद अनाउंस करूंगा गिव अवे कॉन्टेस्ट। स्टार्ट होने से पहले गाइस मैं बताना चाहता हूँ, वो स्टार्ट तभी होगा जब आप गिव अवे वाला वीडियो 20,000+ व्यूज होंगे, उसके बाद वो जो है कॉन्टेस्ट एक्टिव होगा। उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा गाइस। मैं रैंडमली कमेंट पिक करूंगा, उसके बाद जो भी विजेता होगा, जो भी विनर होगा, अगर वो मुंबई में होगा तो मैं उसको खुद आके हेडफोन्स दूंगा। ये व्लॉग शुरू करते हैं। ये है हमारा गार्ड कैबिन और जहाँ पे है गाइस हमारा खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान भी रखा गया है, और हम आप हमारे सामने देख सकते हैं कि वो है इमरजेंसी ब्रेक्स। ये है हमारा इंजन हमारे कोच से बहुत ज्यादा पास में है, तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपको दिखा दूं। अंदर देख सकते हैं कि देखिए जनरेटर कार के अंदर क्या क्या होता है, कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। हालांकि मैं इतना बड़ा टेकी नहीं हूं कि मैं आपको वो सब भी बता पाऊं कि है क्या। अभी हो रहा है 10:30 और हम निकलेंगे एर्नाकुलम से 11:25 में, और हम दिल्ली पहुंचेंगे 44 आवर्स बाद शाम को 7:25 में। तो आप सोच सकते हैं गाइस कि कितनी ज़्यादा बड़ी जर्नी है, और इट्स बिकॉज ऑफ यू गाइस, जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट, इतना प्यार मुझे दिया मेरे प्रीवियस वीडियोस में, उसको लेकर ही मैं जो है ये ब्लॉग बना पा रहा हूँ। अगर आप मुझे मोटिवेट नहीं करते, अगर आप मुझे सपोर्ट थोड़ा बहुत ही ना दिखाते, तो शायद ये वीडियो ना बनाता। हमारे सामने खड़ी है राजधानी एक्सप्रेस जो कि तिरुवनंतपुरम से हजरत निजामुद्दीन जा रही है। तो गाइस इसका जो है सेम रूट है जो रूट हमारा है, लेकिन ये कवर करी है 38 आवर्स में और हम कवर करेंगे 44 आवर्स में। और गाइस अगर देखा जाए तो इसके जो स्टॉपेजेस हैं वो हमसे ज्यादा हैं, हमारे स्टॉपेजेस जो हैं बहुत कम हैं, उसके बाद भी 44 आवर्स लगते हैं, ये मुझे लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आया। कोच का जो इंटीरियर है कंपेयर टू जो राजधानी में कवर कर चुका हूँ, आप लोगों को पता है मुंबई हो या सेंट्रल वाली हो, उसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है, बट पेंट की स्मेल आ रही है। अगर बात करें इस ट्रेन के स्टॉप्स की तो बहुत ही ज्यादा कम हैं। सबसे पहले हम स्टॉप जो करेंगे वो करेंगे हम कोझिकोड़े में, फिर करेंगे मैंगलोर, सीधा मडगांव, मडगांव के बाद सीधा रत्नागिरी, रत्नागिरी के बाद पनवेल, पनवेल के बाद गाइस वही हमारा वेस्टर्न लाइन वाला रूट जो है शुरू हो जाएगा। अगर बात करें ट्रेन की वॉशरूम की तो काफी अच्छी कंडीशन में लग रहा है, ये तो बिल्कुल अप्रिशिएबल है। देख सकते हैं कि पूरा अंदर से अलग ही टाइप का इंटीरियर नया नया बना हुआ है, जेट्स वगैरह दिए गए हैं। जेट्स के अलावा यहाँ पे जो टैप में पानी भी बहुत सही आ रहा है, उसके अलावा यहाँ पे सोप भी दिया गया है, ये देखिए। यहाँ पे हमें फ्लश भी दिया गया है जो कि काफी वेस्टर्न स्टाइल का है। हालांकि है ये इंडियन वॉशरूम, लेकिन इसमें वेस्टर्न स्टाइल की हर चीज है, जैसे कि जेट भी दिया गया है और बहुत ही ज्यादा साफ है। ये है हमारा शावर वाला कैबिन और जहाँ से अभी तक पानी आ रहा है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। कल जो है मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्रेन में शावर लेने वाला हूँ, सो लेट्स सी वो हमारा एक्सपीरियंस कैसा होगा। उसके लिए आपको कल होने तक का वेट करना पड़ेगा। ऑलराइट सो पीप्स, अब बात करते हैं इस ट्रेन की प्राइसिंग की, जो कि आप सुनना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि जब मैंने देखा था तो मैं तो हिल गया था। तो मैं बात करता हूँ, अगर फर्स्ट एसी की प्राइस देखी जाए गाइस तो वो है 7,800 समथिंग, और ये डायनामिक है अप टू 7,900 पहुंच जाता है। और सेकेंड एसी की जो प्राइस है गाइस वो है अराउंड 6,300। एंड लेट मी टेल यू, जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ ये मैं एर्नाकुलम से दिल्ली तक का बता रहा हूँ, ठीक है। और जो थर्ड एसी का प्राइस है वो है समवेयर अराउंड 3,800, और जो स्लीपर का प्राइस है वो है अराउंड 1,600 टुवर्ड दिल्ली, पूरा दिल्ली तक। और जो टोटल डिस्टेंस हम कवर करेंगे दैट विल बी 2,600 समथिंग 50 किलोमीटर इन 44 आवर्स, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है क्योंकि दुरंतो लेवल की कोई ट्रेन है, प्रीमियम ट्रेन, उस हिसाब से बहुत ज्यादा
कार्स दिए गए हैं और स्टॉप्स कुछ भी नहीं है. गॉड नोज गाइस इतना समय जाता गए. तो ये ट्रेन है ये हाइब्रिड LHB कोचेस की है गाइस, क्योंकि इसमें जो है स्लीपर क्लास भी लगा है. जो मैक्स परमिसेबल स्पीड इस ट्रेन की है आफ्टर वडोदरा दैट विल बी 110 किलोमीटर पर आवर, 130 किलोमीटर पर आवर नहीं है बिकॉज ऑफ द कोच कंस्ट्रक्शन. जो डीजल इंजन जो है वडोदरा तक जाएगा, वडोदरा के बाद जो है हमारा इलेक्ट्रिक इंजन लगेगा. वडोदरा आएगा गाइस परसों सुबह 5 बजे. ये जर्नी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने वाली है गाइस, और मैं जो है इसको पूरा अपना घर बना दूंगा, बिल्कुल घर जैसे रहूंगा. मेरे को वर्कआउट भी करना है, हेल्दी भी खाना है, शावर भी लूंगा. अभी हो रहा है 11:25 और हम जो है निकल चुके हैं एर्नाकुलम से. मेरा जो था केरला में सेकंड टाइम था अपनी लाइफ में. मैं अब यहां से निकल चुका हूं दिल्ली के लिए. जर्नी काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है. अगला स्टेशन आएगा रात में 2:30 बजे और हम काफी बड़े बड़े स्टेशन जो है स्किप करेंगे. आई डोंट नो गाइस, इतने कम स्टॉप होने के बाद भी जो ये ट्रेन है इतना टाइम कैसे ले लेती है. एंड हियर वी डिपार्ट फ्रॉम एर्नाकुलम. बेडिंग हमारी हमको मिल चुकी है और आप जैसा कि देख सकते हैं कि पिलोस कितने ज्यादा अच्छे दिए हैं हमें. यहाँ पे दी गई है ये बेडशीट और साथ में ये. सो फार सो गुड. मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा थका हूँ. कल भी मैंने ट्रैवल किया, स्पेशली आप लोगों के लिए मैं एर्नाकुलम आया टू ट्रैवल इन दिस ट्रेन. एर्नाकुलम से जो मैंगलोर के बीच जो रास्ता है वहाँ से पूरा बीच दिखता है, वहाँ से पूरा समंदर दिखता है और वो काफी सुंदर एरिया है. मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहाँ से कुछ शॉट्स ले पाऊँ कल सुबह. मैंने कर लिए हैं अपने कपड़े चेंज बिकॉज मैं थका हुआ हूँ बहुत ज्यादा. अगर आप फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका बेड कोई और लगाए या आपका कोच अटेंडर लगाए तो वो भी हो सकता है. A very good morning to all of you. अभी हो रहा है 8:30 और मैं सोया हूँ बहुत चैन की नींद. नींद मुझे बहुत ही अच्छी आई गाइस. मेरा कैबिन है पूरा खाली, अभी तक कोई नहीं आया है. अभी हो रहा है 9:40 और हम हैं मानकी स्टेशन पे. हम हैं 150 किलोमीटर दूर मडगांव से. मैंगलोर से लेके मडगांव के बीच में है ना कोंकण रेलवे आपको देखने को मिलता है. बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल है. और मैंने कोशिश की कि मैं कुछ अच्छे अच्छे टाइम लैप्स ले पाऊँ, कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स ले पाऊँ ताकि आप लोग मेरे साथ ये फीलिंग ले सकें जो कि मैं अभी ले रहा हूँ. नाश्ता मैं कर चुका हूँ और नाश्ते को मैं रेट करूंगा 9 out of 10. ऑमलेट वॉज ब्रिलियंट. ब्रेड थी वो भी काफी ज्यादा सॉफ्ट थी. चाय का टेस्ट भी अच्छा है. सो नाश्ता तो 9 out of 10. सर्विस भी मैं बोलूंगा 9 out of 10. और अभी हम मानकी में रुके हैं. रैंडम सा स्टेशन है, हवा अलग चल रही है, इंजन मेरे सामने है, ट्रेन मेरे बगल में है. चुका है, हम लोग इसी स्टेशन पे खड़े हैं. कोंकण रेलवे में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लाइन सिंगल है. सिंगल होने के कारण हमें वेट करना पड़ता है. कितनी बड़ी भी ट्रेन हो रुकना तो पड़ेगा. एक लाइन में दो ट्रेनें तो जा नहीं सकती. तो देखते हैं यहाँ से कब चलते हैं. अभी
अभी हो रहा है 11:55। मैं सो गया था बहुत गहरी नींद में। हम जस्ट पहुंचने वाले हैं मडगांव, मतलब गोवा में। चलिए मैं दिखाता हूँ गोवा स्टेशन का क्या हाल है क्या नहीं है, बिकॉज जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था रात में 3 बजे और बहुत साफ सफाई थी गाइस। अभी हो रहा है 12 और हम पहुंच चुके हैं मडगांव, दैट इज गोवा में। हमारा यहाँ पहुंचने का टाइम था 12 बजे और हम एग्जैक्ट 12 बजे यहाँ पहुंच चुके हैं। चलने में तो ये ट्रेन एक नंबर है व्हेन इट कम्स टू द टाइमिंग। अभी हो रहा है 12, हम मुंबई पहुंचेंगे रात में 10 बजे, मतलब पनवेल पहुंचेंगे रात में 10 बजे। तो 9 घंटे यहाँ से, और कोई भी प्रीमियम ट्रेन के लिए 9 घंटे फ्रॉम गोवा टू मुंबई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हमारा है 10 मिनट का स्टॉप। मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताना चाहता हूँ जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। कभी आपने सोचा है बर्ड होती है जो चिड़िया होती है OHE वायर्स पे चढ़ी है, जो OHE वायर्स होते हैं जहाँ से लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती है। कभी आपने सोचा है कि वो एक चिड़िया को करंट क्यों नहीं लगता? तो आज मैं बताता हूँ उसको करंट क्यों नहीं लगता। होता क्या है, हम ह्यूमन बीइंग्स अगर हम इन तारों में लटक भी जाएंगे ना, हमारी बॉडी है वो जमीन को टच नहीं होगी और हम लटक जाएंगे, तो हमें भी जो है करंट नहीं लगेगा। बट अगर हम लटक जाते हैं और हमारा जो पैर है वो टच हो जाता है ट्रेन से, या वो टच हो जाता है जमीन से, अगर टच हो जाता है तो हमें 25,000 का वोल्ट का करंट लग जाएगा। और ऑफ कोर्स गाइस बचने की उम्मीद तो नहीं है। फिर अर्थिंग ना कंप्लीट होने की वजह से जो चिड़िया है वो मरती नहीं है ऊपर जब वो लटक जाती है वायर्स में। कई बार अगर कोई गाड़ी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पोल गिर जाए तो कहते हैं कि आप गाड़ी से एकदम से मत उतरिए, जंप मार के रोड पे आइए। उसका रीजन ये होता है गाइस, अर्थिंग कंप्लीट ना हो। अभी हो रहा है 12:30 और अभी तक हम मडगांव में ही रुके हैं। मेरे पास आप सबके लिए है बहुत ही खास सरप्राइज। पैंट्री के जो स्टाफ से मैंने एक बहुत स्पेशल चीज मंगाई थी चिकन में, उनको मैंने कहा था कि लंच में मुझे वो लाके दीजिए, कुछ स्पेशल बना के दीजिए ताकि मैं अपनी ऑडियंस को बता पाऊँ कि यहाँ स्पेशल चीजें बनती हैं, वो कैसी बनती हैं, उनका टेस्ट कैसा होता है। ये जो है गाइस हमारे पास आया है, इसको भी टेस्ट करके बताऊंगा और देखता हूँ ये कैसा है। 8.5 out of 10 and we have departed from Goa. हमारा next stop है रत्नागिरी, जो आएगा शाम को 4:30। मेरा जो है लंच सर्व हो चुका है और मैंने स्नैक्स खत्म कर लिए थे, तो मैं इसको अभी नहीं खोलूंगा। मैं मंगा रहा हूँ अपनी रेड बुल साथ में पीने के लिए, उसके साथ में इसको खाऊंगा, एंजॉय करूंगा। हमारा लंच जो है वो आ चुका है एंड लेट मी टेल यू कि लंच में क्या क्या है। ये है गाइस, मैं रेड बुल लेके चढ़ा था और ये है गाइस हमारी चपाती, दाल यहाँ पे हमें दिए गए हैं, चावल के साथ नॉन वेज। और मैंने स्पेशली कहा था गाइस की जो ग्रेवी देंगे वो थिक देंगे, तो ग्रेवी जो है ये थिक है, सूखी सब्जी। अभी हो रहा है 1:33, हम हैं करमाली में। यहाँ पे हमारा स्टॉप नहीं है, बट ड्यू टू सम रीजंस हम पिछले आधे घंटे से रुके हुए हैं। मेरा हो चुका है लंच और अब मैं आपसे मिलूंगा सीधे रत्नागिरी में। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम थोड़ी ही देर में रत्नागिरी पहुँचने वाले हैं। हमें सर्व हो चुका है नाश्ता थोड़ा अलग है और हमें चाय सर्व की गई है, जैसे कचौड़ी दी है, रोस्टेड आलमंड की, हमें सैंडविच भी सर्व किया गया है, पतीसा। ओके, अभी मैं आ चुका हूँ रत्नागिरी। हम कवर कर चुके हैं 965 किलोमीटर फ्रॉम एर्नाकुलम। अभी हो रही है बहुत ही प्यारी शाम। तो रत्नागिरी है वो है महाराष्ट्र में, हम महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं वापस। यहाँ पहुँचने का टाइम था 4:50, हम पहुँच चुके हैं 4:33 में, हम लगभग 20 मिनट बिफोर आ चुके हैं और यहाँ पे हम काफी देर जो है रुकने वाले हैं। कभी आपने सोचा है कि जो ट्रैक्स के बीच में गिट्टी डाली जाती है, ये पत्थर डाले जाते हैं, ये क्यों डाले जाते हैं? जो रेलवे थी वो सीमेंट भी तो लगा सकती थी, बट सीमेंट नहीं, कंक्रीट नहीं, यहाँ पे पत्थर डाले जाते हैं बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स के ऊपर। ये जो स्टोन्स होती हैं, इतने सारे पत्थर होते हैं, ये होते हैं शॉक अब्सॉर्बर। ट्रेन का जो भी जर्क लगता है, शॉक्स आती हैं ट्रेन से ट्रैक पे, ये जितने भी पत्थर हैं इसको अब्सॉर्ब कर लेती हैं और स्लीपर सेल्स को टूटने नहीं देती। अगर कोई कंक्रीट की चीज लगाते हैं या कोई सीमेंट लगाते हैं और वो ट्रेन बहुत तेजी से आके वहां से निकलती, जर्क की वजह से, शॉक्स की वजह से क्रैक्स आ जाते हैं ट्रैक्स पे। अभी हो रहा है 4:54 और हम जो है डिपार्ट कर चुके हैं रत्नागिरी से।
रहा है शाम के 7:08, हम हैं करण जाड़ी में, रत्नागिरी के काफी ज्यादा आगे है, हम काफी स्टेशन क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ से पनवेल है सिर्फ 150 किलोमीटर। सोचने वाली बात ये है कि 150 किलोमीटर होने के बावजूद हम यहाँ से 3-4 घंटे कैसे ले सकते हैं। आई डोंट नो, मतलब मुझे इसका शेड्यूल समझ नहीं आया गाइस कि 9.5 घंटा फ्रॉम गोवा टू मुंबई। जब एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ पे है हमारी ट्रेन और यहाँ क्रॉसिंग होने वाली है, तभी हमें यहाँ पे रोका गया है, और स्टेशन के बाहर देखिए पूरा घना जंगल है, और अभी 6:30 बज चुका है। अब यहाँ से बाहर वॉक भी नहीं कर सकते, कुछ दिख भी नहीं रहा, सिर्फ जंगल ही जंगल है, और वहाँ से जाके लेफ्ट लेंगे तो भी जंगल ही जंगल। मेरा जो है